Bismillahir Rahmanir Assalamu alaikum, dear students. My name is Aisha Saleem, and I hope you all are fine and doing well. Today, we are going to start lecture number 4 of chapter 5 that is about states of matter and the particle theory of matter. तो आज के लेक्चर के अंदर हम अपने तीन एस एल को डिस्कस करेंगे इन द फर्स्ट एस एल ओ हम डिस्क्राइब करेंगे कि वाई गैसेज एंड लिक्विड्स टेक द शेप ऑफ द कंटेनर बट सॉलिड्स डू नॉट इन टर्म्स ऑफ पार्टिकल थेरी वेयर एज इन द सेकेंड एस एल ओ वी एक्सप्लेन दैट वाई लिक्विड्स एंड गैसेज फ्लो इजिली And furthermore, we discussed using the particle theory of matter that why liquid and gases can flow easily but solids cannot. We lecture me in thin SLOs could discuss lecture. But before starting the lesson, let's brainstorm few ideas. Quickly tell me that according to you, how do you think, think that the arrangement of particles in states three states of matter that are solid, liquid, and gases affect their properties? Furthermore, which state of matter do you think can flow and why? वेरी गुड तो हम इन क्वेश्चंस के आंसर्स फाइंड आउट करेंगे अपने आज के लेक्चर में दैट इज अबाउट द स्टेट्स ऑफ मैटर और इस इन स्टेट्स ऑफ मैटर को हम समझेंगे एक सिमुलेशन की मदद से जिसमें हम मैटर की तीनों स्टेट्स को डिस्कस करेंगे तो डियर स्टूडेंट्स हम अपनी सिमुलेशन की तरफ चलते हैं आप देख सकते हैं कि मेरे पास फिलहाल जो मौजूद है स्टेट वो कौन सी स्टेट है सोलिड स्टेट अगर मैं इसी सॉलिड स्टेट को दिखाऊं तो आप लोग देख सकते हैं कि मेरे पास मॉलिक्यूल्स फिक्स शेप में मौजूद हैं और फर्दर अगर आप लोग देखें गौर से देखें तो इनके दरम्यान में रेड कलर की जो लाइंस हैं वो शो कर रही हैं फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को यानी सॉलिड्स हैव अ वेरी स्ट्रोंगर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन और यही फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन रिस्पॉन्सिबल हैं कि सॉलिड कंटेनर की solid, एक सॉलिड एक फिक्स शेप रखता है उसके अलावा अगर हम मोशन की बात करें तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास पार्टिकल्स की वाइब्रेशनल मोशन है और इसी वाइब्रेशनल मोशन और इसी स्ट्रॉगर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन की वजह से सॉलिड के पार्टिकल्स एक दूसरे के ऊपर स्लाइड नहीं कर सकते इसीलिए सॉलिड हमारे पास फ्लो नहीं कर सकता मज़ीद अगर मैं इसके बारे में आपको बताऊं तो हमारे पास सोलिड कंप्रेसिबल नहीं है आप इनको प्रेशर अप्लाई करके इजीली कंप्रेस नहीं कर सकते नेक्स्ट अगर हम मूव करें लिक्विड स्टेट की तरफ तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास पार्टिकल्स की मोशन रेंडम हो चुकी है जबकि सोलिड की हालत में हमारे पास रेंडम मोशन नहीं थी मजीद आप गौर करेंगे तो आपको

और सॉलिड एंड अगर हम में देखें, तो आप देख सकते हैं को अगर हम देखें, तो वह बहुत वीकर है और अगर हम इस कंटेनर को ओपन करेंगे तो हमारे पास गैस के मोलिक्यूल एस्केप हो जाएंगे मजीद आप इनको इजिली कंप्रेस कर सकते हैं आप प्रेशर को अप्लाई कर गैस

कि अगर हम सोलिड की बात करें तो सोलिड वॉल्यूम और शेप के लिहाज से फिक्स शेप रखता है क्योंकि इसके मोलिकल्स क्लोजली पैक्ड होते हैं अट्रैक्टिव फोर्सेस की बात करें तो इनके पार्टिकल्स के दरमियान में स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्सेस मौजूद होती हैं और ये फ्लो नहीं कर सकते वाई बिकॉज पार्टिकल्स के नॉट स्लाइड पास टू ईच अदर दे वाइब्रेट दे प्रोसेस वाइब्रेशनल मोशन Furthermore, they cannot be compressed because there are very little force, uh, there are very little spaces that are present between their particles. Next, we discuss लिक्विड्स के बारे में और हमने देखा कि हमारे पास लिक्विड्स की डेफिनेट शेप नहीं है दे हैव इेगुलर अरेंजमेंट क्योंकि रैंडम मोशन की वजह से इनकी शेप डेफिनेट नहीं होती हाउ एवर दे वॉल्यूम बिकॉज अट्रैक्टिव फोर्सेस आर स्ट्रॉन्ग टू होल्ड दी पार्टिकल्स यानी हमारे पास लिक्विड के केस में अट्रैक्टिव फोर्सेस वीकर हैं लेकिन इतनी स्ट्रोंग होती हैं कि वो पार्टिकल्स को होल्ड करके रखती हैं एंड दिस इज द रीजन दैट लिक्विड्स हैव डेफिनेट फिक्स्ड वॉल्यूम। फरदरमोर दे कैन फ्लोव बिकॉज पार्टिकल्स कैन मूव फ्रीली एंड स्लाइड पास्ट ओवर एच अदर। नेक्स्ट हमने डिस्कस किया गैसेस के बारे में और इस स्टेट के बारे में हमने सीखा कि हमारे पास ना तो इनका फिक्स शेप है और ना ही इनकी फिक्स्ड वॉल्यूम है। क्योंकि इनके दरमियान फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही वीकर होती हैं। आप इनको जिस कंटेनर में डालेंगे दे टेक द शेप एंड द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर और अगर हम इसको ओपन कंटेनर में डालेंगे तो ये इजिली एस्केप हो जाएंगी इसी तरह ये फ्रीली मूव करती हैं दे कैन बी कंप्रेस्ड अगर आप इनके ऊपर प्रेशर अप्लाई करेंगे तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ग्रेटर स्पेसिस बिटवीन दैम दे कैन इजीली बी कंप्रेस्ड एंड दे कैन फ्लो ड्यू टू द लार्जर स्पेसिस एंड फ्री मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स सो डियर स्टूडेंट्स हमने इन चीज़ों के बारे में आज सीखा और इसी नॉलेज को अप्लाई करते हुए अब हम अपनी एक वर्कशीट को सॉल्व करेंगे सोपोज योर वीडियो फॉर फ्यू सेकेंड्स एंड क्विकली सॉल्व दिस वर्कशीट द लिंक ऑफ दिस वर्कशीट इज ऑल्सो provided in the description of this video very good mujhe ummeed worksheet easily solved now your homework is to answer this question that why do gas particles move freely and inshallah in the next lesson we'll discuss the change in the states of matter in terms of particle theory so that's all about today's lecture I ummeed hai lecture clear ho chuka hoga so dear students apna thank you very much and allah hafiz